तो गाइस रात के बज गए 10:30 और अभी टाइम है डिनर करने का। तो डिनर के लिए मैंने एक जगह देखी है जहाँ पे मैंने कल भी डिनर किया था, आज सुबह नाश्ता भी किया था और दोपहर को लंच भी किया था। तो वहाँ पर जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट यहाँ से वहाँ तक है। तो ये मेरा पहला फूड ब्लॉग होगा, तो बताना मुझे कैसा लगा आपको। ठीक है, और ये अपनी बाइक, ये राहुल भाई का घर। तो ये है वो रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, देवबाग फूड हाउस। यहाँ पे मैंने 2 बार खाना खा लिया है ऑलरेडी। देखते हैं अंदर चल के, काफ़ी लेट हो गया, मगर चालू होगा कि नहीं चालू होगा वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ सर तो यहीं पे बैठे हैं, चालू होगा, चालू है ना अंकल? हाँ तो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं 2-3 बार खा चुका हूँ खाना, और अभी ऑर्डर करता हूँ। अभी आने दो सर अंदर से मामा, इधर बैठ जाता हूँ मैं तब तक। वो एक्चुअली वो कहावत आपने सुनी होगी, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। राहुल भाई के स्टे से जहाँ पर मैं रुका हुआ वहाँ से जस्ट 1 मिनट का वॉक पे, उस लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, 1 मिनट भी वॉक नहीं है। और ये है देवबाग फूड हाउस। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं कल यहाँ पर आया था, आने के बाद मैंने यहाँ पर कल डिनर किया था। कल मैंने खाया था सुरमई थाली, क्योंकि कोई मालवा ना आए और मच्छी ना खाए वैसा हो नहीं सकता। तो उसके बाद घूर घूर के देख रही थी, मुझे ब्लॉगिंग करने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था तो मैंने उसको भी दिखा दिया, भाग गई। एनीवे, सो कल मैंने खाया था सुरमई थाली और आज सुबह मैंने खाया था प्रॉन्स थाली। तो मच्छी बहुत हो गया, और यहाँ पे मैंने कुछ कोमड़ी बड़े करके कोई चीज़ है वो भी सुनी है, तो वो खा के देखता हूँ। वो बोल रहे थे बहुत अच्छी हुई, अच्छा डिश है, तो आज वही ऑर्डर करता हूँ। उनका ही वेट कर रहा हूँ मामा का, क्या पता मामा की तरह। ठीक है, लगता है मैं ही काफ़ी लेट आया एक्चुअली, वरना ये जगह आप देख रहे हो, ये टेबल मोस्टली सब ऑक्यूपाइड ही रहता है। बट अभी फिशिंग करके आने के बाद मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा था कि मैं खाऊंगा, बट फॉर्चुनेटली इतनी भूख लग गई है कि अब खाना ही खाना है और दबा के खाना है। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा इधर, अगर मैंने आपको यहाँ पे खाने का कोई फ्लेवर बताया नहीं कि इसमें लहसुन ज़्यादा है या अदरक कम है, क्योंकि मुझे वो समझता ही नहीं, इसीलिए मे बी दैट इज़ द रीज़न कि मैं ना खाने का वीडियो जल्दी बनाता नहीं। बट ऑन पीपल्स डिमांड, ऑन पब्लिक डिमांड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें इसमें लोग मुझे बोलते हैं कि अरे भाई खाने का दिखाओ, तुम इधर जाते हो उधर क्या खाया है, ये खाया वो खाया। हाँ वो बात तो सही है, मैं खाते रहता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं ऑन पीपल्स डिमांड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मामा आ गए हैं और मामा ठीक मेरे सामने बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ मैं थोड़े 2 बात मामा से कर लूँ ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि देवबाग फूड हाउस एक काफ़ी अच्छी जगह है। इफ़ यू आर कमिंग टू देवबाग देन ये जगह इज़ मस्ट, एक बार तो ज़रूर लंच करके ट्राई करना। अगर आपको पसंद नहीं है तो वो आपकी आपकी चॉइस है, बट आई एम डैम श्योर कि आप यहाँ पे एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। तो मैं मामा से आपको मिलाता हूँ। मामा आपका नाम? नंद किशोर। नंद किशोर, एक मिनट मामा ऐसा पकड़ लेता हूँ तो हम दोनों जन आएंगे। ठीक, नंद किशोर मामा, ये आपने कभी स्टार्ट किया था ये? अभी ये पहला साल है। ये पहला ही साल है? ओके, और यहाँ पे हमने देखा कि रिसोर्ट्स ज़्यादा है इस एरिया में, लेकिन नॉर्मली प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो शेफ या कुक का जो खाना होता है वो ज़्यादा बनता है। हाँ। और इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे जो लोकल जो लोग हैं उनकी जो टैसिट नॉलेज होती है कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ किया नहीं है लेकिन टेस्ट बढ़िया रहती है। अच्छा, तो वो कॉन्सेप्ट को लेके हम चल रहे हैं। इसका नाम भी रखा है देवबाग फूड हाउस, मतलब जो हाउस के किचन में जो खाना बनता है वो यहाँ पे मिलता है कस्टमर। यहाँ पे कोई भी जो होटल का या रिसोर्ट का जो खाना है वैसे नहीं, यहाँ के टेस्ट हमने टैसिट रखी है, मतलब जिसका डॉक्यूमेंटेशन हम नहीं कर सकते, जो घर में बनता है वही कस्टमर को मिलता है। तो जैसे कि मामा ने अभी एक बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि आप अपने घर पे आप खाना बनाते हो तो आप उसका टेस्टिंग तो करते नहीं हो बिकॉज आप श्योर हो, तो सेम मामा का खाना भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये कहीं बाहर से तो बन के नहीं आता, ये घर पे ही बनता है, तो इसका कोई क्वालिटी टेस्ट है तो नहीं। बट आप यहाँ पे आकर टेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद आपको खुद ही समझ जाएगा कि क्या क्वालिटी है,
क्या क्वालिटी नहीं है। ओके तो मामा, जैसा कि मैं आपसे दोपहर को यहाँ पे मैं लंच करने आया था, तभी आपसे मेरी बात हुई थी, तो आपने कुछ मेन्यू बताया, तो मेन्यू बता दे, बता सकते यहाँ पे हम फेमस है थाली के लिए, जैसे कि यहाँ पे जो फिश की हर तरह की थाली हम बनाते हैं, जैसे कि सबसे फेमस यहाँ का जो फिश है सुरमई फिश, तो सुरमई फिश, देन पॉम्फ्रेट, जिसमें सिल्वर पॉम्फ्रेट एज वेल एज ब्लैक पॉम्फ्रेट आता है, जिसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में हलवा बोलते हैं या पापलेट बोलते हैं। देन जो ज़्यादा फिश अवेलेबल होते हैं, बांगड़ा फ्राई फिश या बांगड़ा फिश जो अवेलेबल है यहाँ के सीशोर में वो मिलता है। देन हम क्रैब्स और शेल फिश में भी स्पेशलाइजेशन रखते हैं, जैसे कि ऑयस्टर है या लोकल जो क्रीक की जो क्रैब मिलती है या जो समुंदर के जो अलग अलग टाइप के जो शेल फिश मिलते हैं, उसका प्रिपरेशन करके हमारे कस्टमर को हम खिलाते हैं। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया, अगर नंद किशोर सर ने जिस तरह से बात किया, उससे तो एक चीज़ साबित होती है कि नंद किशोर सर ये बिजनेस चलाते नहीं है सिर्फ, ये और भी कुछ करते हैं, इतना पक्का है। सर एक प्रोफेसर भी है एंड सर इज टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बस ये उनका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे ज़रूर आइए, एक बार ट्राई कीजिए, सर से मिलिए, क्या पता आपका कुछ भाग्य खुल जाए। नहीं, मालवन दो चीज़ के लिए फेमस है, एक स्कूबा डाइविंग के लिए, एक होम स्टे के लिए और होम मेड फूड के लिए। तो यहाँ पर होम मेड फूड ही मिलता है, तो फॉर श्योर बोलते हैं ना, आप एक बार आना ही आना है आपको, और एक बार ट्राई ज़रूर करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मालवन में खाना दूसरे जगहों पे ख़राब मिलता है या ऐसा नहीं मिलता है, ऐसा मैं किसी रेस्टोरेंट, किसी फाइव स्टार होटल या किसी रिसोर्ट को मैं कुछ नेगेटिव कमेंट्स तो दे नहीं रहा हूँ यहाँ पे। इट्स जस्ट लाइक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दो या तीन टाइम खाना खाने आया, फिर मुझे याद आया अगर इस बार भी मैंने अगर फूड वीडियो नहीं बनाया तो लोग मुझ पर चढ़ बैठेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस बार मैं एक डिफरेंट स्टाइल में ट्रैवल करूँगा, तो ये डिफरेंट स्टाइल में मैं एक कॉन्सेप्ट नया ऐड कर रहा हूँ, फूड ब्लॉग। तो ये फूड ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ मालवन के खाने के ऊपर है, और स्पेसिफिकली जो होमली फूड के लिए, सर मेरा काम आसान कर रहे हैं। तो सर अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई आता है, जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने आपको जब भी ऑर्डर दिया आपने मुझे 15 मिनट 20 मिनट ऐसा टाइम दिया, ये इसीलिए क्योंकि आप बनाते हैं खाना। ऑर्डर देने के बाद यहाँ पे जैसे कस्टमर को चाहिए वैसे खाना बनता है। यार मेरा बेसिकली यही क्वेश्चन का मोटिव यही था आपको पूछने के लिए और व्यूवर्स को बताने के लिए कि आप यहाँ पर आएंगे, जब आप ऑर्डर देते हैं तो फ्रेशली प्रिपेयर करके आपको आपका फूड आइटम जो भी आप ऑर्डर करते हैं वो सर्व करते हैं। और एक इसमें स्पेशलिटी की बात ऐसे कि बाकी के होटल में आप एम्प्लॉई या वगैरह ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये हमारा पूरा घर का ही टीम है। हालांकि मैं अभी फिशिंग करके आ रहा हूँ, जैसा कि आपने अगर इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा, मैं अभी फिशिंग करके आया हूँ, मैं वॉमिटिंग सब हो गया है और मैंने सर को जाते समय बोला भी था, सर मुझे यहीं पे मिले थे तो मेरे को पूछ भी रहे थे कि आज खाना खाने आना है, तो मैं क्या चाहिए आपको बोल दिया मैं बना के रख दूंगा। तो मैंने इनको बोला कि सर मेरे को अभी तक कोई गारंटी है नहीं कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, बिकॉज मैं अभी वॉमिटिंग करके आ रहा हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, और सच में मेरी बहुत हालत ख़राब थी, बट फॉर्चुनेटली भूख ज़्यादा लग गई है और अभी सर के पास हम खुद ही आ गए। तो अभी सर को मैं पूछूंगा कि सर के पास अभी क्या अवेलेबल है। अभी हमने इनके लिए चिकन का रस्सा प्रिपेयर किया हुआ है और पापलेट फ्राई है, तो दाल चावल और चपाती के साथ वो पापलेट और चिकन रस्सा का लुत्फ़ उठाएंगे। तो वो खाना आता हूँ, अभी ये बहुत हो गया ब्लॉगिंग, अब मेन आइटम पे उतरते हैं खाने पे, अब खाना खाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, मैं लेके आता हूँ। तो ये आ गया अपना खाना, चपाती, पापलेट, ये क्या अंकल? ये चिकन का रस्सा है। चिकन का रस्सा और ये बटर मिल्क, ये मैंने दो दो डिमांड किए हैं, ये मेरे को ज़्यादा पसंद है, और ये राइस। तो स्टार्ट करता हूँ, अभी नो मोर टॉक, अभी सीधा पहले खाना खाता हूँ फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। रोटी चाहिए तो मिलेगा, मैं आज बहुत कम खाने वाला हूँ। वो नींबू पानी वगैरह चाहिए? तकलीफ है, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, उसके वजह से ही मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। क्वांटिटी ज़बरदस्त है, तो अभी राइस को थोड़ा खाता हूँ फिर वापस से
आपको बाकी की चीज़ें बता दूँ। हो गया अपना खाना कंप्लीट। अभी बारी इसकी सोल कड़ी की। तो गाइस ऑलमोस्ट डन विथ माय फूड और अब बात करते हैं मुद्दे की यानी पैसे की। तो सर आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सुरमई थाली, प्रॉन्स थाली, कुंबड़ी वड़े ये सब ऑलरेडी मैं यहाँ पे खा चुका हूँ। तो हर आइटम का कुछ अलग अलग रेट था। तो जैसे कि मैंने प्रॉन्स थाली खाई थी 350 की और सुरमई थाली खाई थी 300 रुपीज़ की और कुंबड़ी वड़े खाए थे 200 रुपये के। और अभी मैंने खाया प्रॉम्प्रेट तो इसका है 350। तो रेट कैसा है ये सीज़न पे भी डिपेंड करता है। तो आप वही रेट पकड़ के मत चलिए। आप जिस दिन आओगे, आप पता नहीं आप ये वीडियो 2 महीने बाद देख के आओ, 1 महीने के बाद आओ, तो रेट ऊपर नीचे हो सकता है फिश की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो आगे पीछे। तो सर बोल रहे हैं कि फ़िश की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा रेट होते रहता है ना सर। इसके अलावा और आपको कोई मैसेज देना है? मैसेज यही है कि अगर कभी भी आप मालवण देवबाग में आएंगे और आपको घर का खाना खाने की अगर इच्छा होती है तो देवबाग फूड हाउस में ज़रूर एक बार आइए। वी विल सेटिस्फाई योर हंगर और जो जैसे घर का खाना होता है वो आप खुश हो जाएंगे। तो ये था मेरा पहला फूड ब्लॉग मालवण से एंड एज आई प्रोमिस्ड यू दैट आई विल ट्राई टू ट्रैवल डिफरेंटली दिस टाइम बिकॉज इट्स माई सीज़न 2 ऑफ मालवण। और बस आज के लिए इतना ही। अभी मैं जा रहा हूँ फिशिंग के बाद। एक्चुअली है ना मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ अभी। बस मेरे अभी भूख मिट गई, अब मेरी आँखें बंद हो रही है, अब मेरा भी शटर डाउन हो रहा है। मैं कैमरा को भी थोड़ा रेस्ट दे देता हूँ और इसको भी फुल चार्ज कर देता हूँ ताकि सुबह कुछ नया है वो आपको सुबह ही पता चलेगा। अभी मैं आपको बताना नहीं चाहता वो बात, आपके लिए थोड़ा बहुत सस्पेंस, वो मेरे आने वाले वीडियो का नेक्स्ट कंटेंट है। तो अभी के लिए बस आई एम डन विद पेमेंट एंड एवरीथिंग। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द फूड। तो एक बार आप ट्राई करना। हाँ, तो इस जगह की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप डिस्क्रिप्शन से सर का नंबर ले सकते हैं और इस जगह पर पहुँच सकते हैं। और मेरे पास इस जगह का लिंक भी है, गूगल लिंक, लोकेशन लिंक, तो वो भी मैं डाल दूंगा। तो आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं वाया योर कार और वॉट एवर, बिकॉज गाड़ियाँ आ सकती हैं यहाँ तक और जस्ट 2 कदम की दूरी पे है देवबाग बीच। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, इंस्टाग्राम पर मेरे अपलोड्स भूलिए मत। मेरा चैनल का नाम सोलो ट्रैवलर्स वेल यहाँ पे कहीं पे फ्लैश हो रहा होगा, तो आप ज़रूर उस पर भी मुझे फॉलो करो। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड गुड नाइट फॉर टुनाइट।